गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरु भीम श्री गुरुदेव भगवान की चरणों में दस दशक का प्रणाम स्वीकार। गुरुदेव आज मैं अचानक दर्शन में अपने चेहरे को देखा हूँ तो मेरे कानों के पास एक सफेद बाल दिखने लगा है। गुरुदेव मानो अपार उपदेश कर रहा है कि दशरथ अब तुम्हारा तीसरा पन जीत गया, चौथा पन आने वाला है, इसलिए राज्यपाट राम को सौंप कर और जंगल में जाकर भजन करो। ये विचार हमने सोचा है कि राजपाट अब मैं जीकर राम को सौंप कर और जंगल में जाकर भजन करूं, इसमें आपका क्या आदेश है? गुरुदेव आपने जो कार्य सोचा है इसमें विलम्ब ना कीजिए, अति शीघ्र सभी सामान को सजाइए। सुदिन शिवमंगल दिन तभी होगा जब राम जी राजा हो जाए। सेवक के घर में स्वामी का पधारना मंगा का मूल होता है और मंगा का नाश करने वाला होता है, पर उचित तो यही था काज के लिए बुलावा भेज देते, मैं वहाँ पर चला आता। हे गुरुदेव ये आप प्रभुता छोड़ के जो मेरे गृह में आने की सलाह किए हैं, आपके आने से यह घर शुभ और पवित्र हो गया। हे नाथ कहिए मेरे लिए क्या क्या है? बिल्कुल ये गुरुदेव आप ऐसी प्रशंसनीय बात क्यों नहीं कहेंगे? देखो राम राजा ने अभिषेक का शुभ सामान सजा रखा है, वो आपको युवराज पद देना चाहते हैं, इसलिए श्री रामलाल आपसे आप वही संयम नियम जप तप व्रत एवं उपवास धारण करें जिससे विधाता सभी कार्य को कुशल पूर्वक निभा सके। अरे नारी प्रणाम आज देख रहे हैं तुम अंदर बाहर लगा रहे हो, अयोध्या को सजा रहे हो, नया नया कपड़ा पहने हो। आपको नहीं मालूम, आपको कुछ नहीं मालूम, अपने जो राम जी है ना वो राजा बनेंगे। राजा महारानी राम जी खाजा खाएंगे? खाजा नहीं नानी, आप ऊंचा बोलने पे सुनती हैं, ध्यान से सुनिए कान खोल के। राम जी राम जी राजा बनने जा रहे हैं। राजा राजा बनने जा रहे हैं? हाँ। भरत बबुआ क्या करेंगे? तो भरत बबुआ सेवा करेंगे। सेवा करेंगे? राम तिलक सुनि भाव का हो। अरे अरे मंत्रा क्यों उदास क्या है? केवल तुम क्रिया देख करके आंसू है का रही हो, आखिर तुम बोलती क्यों नहीं? मंत्रा बोलो रानी जो हमको कोई क्या सीख दे सकता है, आज राम को कुशल के और किसी का पार सुख है। महारानी जो हमारे पुत्र प्रदेश में है और कौशल्या जी का पुत्र का राज तिलक होने जा रहा है। महारानी जो अरे मंत्रा सुन तेरी बात सत्य है, मैं रात को नित्य दिन बहुत खराब स्वप्न देखती हूँ, लेकिन मंत्रा मैं अपने संकोच बस तुझे नहीं कहती। मंत्रा महारानी जी यदि राजा आएंगे तो राजा से दो वरदान आप चुनकर मांग लीजिएगा, पहला तो भरत का राज और दूसरा राम जी का वनवास।
होता है। राम राजा बन गया। जय हो। कहो दर्शी मित्र, क्या नई समाचार लाए? क्या कहीं महारानी जी को भवन में गए हैं? महारानी की आज को भवन में गई है। देखता हूँ आज परमात्मा की कैसी कृपा है कि मैं आज अपने राम को राज तिलक देने जा रहा हूँ और महारानी के कई को भवन में चलकर देखता हूँ। दुखी तारुण भयो भूमि सैनी फट मोट पुराना दिए दारी तन बार बार कह रहा हूं सुख विष्णो चनि पिक बचनी कारण मोहि सुनाऊ गज गामन निज को करा। महारानी हे गजगामी हे सलोचनी आज तुम क्यों रिसाई हो बताओ? महारानी आज किसको तर्सर हो गया है, किसको यमराज देना चाहता है? ये महारानी कहो किसको राजा से भिखारी बना दूं, भिखारी से राजा बना दूं? तुम कहो तो इस राज से किसको निकाल दूं? इस हर्ष के समय आज तुम इस गुप्तवन में हो, बताओ महारानी। अरे जिन आंखों ने त्रास दिखाया है वह आके ही फरमा दूंगा। अरे जिन जिद्दा ने करवा बोला है वह जिद्दा ही कटवा दूंगा। हर्ष के समय तुम आज किसको पवन में आई हो? नहीं मानी। अरे उठो सोना सिंगार करो चंदोल घुसरित हो रानी क्या इच्छा है क्या पीड़ा है मुझसे आज मांगो रानी। आप मुझे मीठी मीठी बातों से मनाने आए हो क्या? कि मैं कौन तुम्हारी हूँ क्यों मुझे मनाने हो मन में रखते हो साधना कर हे महारानी एक झूठ मूठ के दोस्त मुझे मत लगाओ। तुम्हारा दो वरदान रखा है आज दो के बदले चार मांग लो महारानी मैं अवश्य दूंगा क्योंकि रथ कुल रीत सदा चली आई प्राण जाय पर वचन न जाय। यह रथवंश का नियम है भले ही मेरा प्राण चला जाएगा लेकिन वचन नहीं जाएगा। महारानी मांगो महारानी। स्वामी कि कुछ कौन अपमान नहीं करते हूँ उपहास नहीं चिकनी चुपनी बातें कहकर मुझे अपना को मत बताओ। सच तो है रघुवंशी लेकिन सौगंध राम का खाओ। जब तक आप सौगंध राम का नहीं खाएंगे तब तक तो मैं मांगूंगी नहीं। महारानी इसमें हमारी तुम्हारी बीच की बात है क्या हम पे तुम्हें विश्वास नहीं है कि आज तुम मुझे राम की सौगंध खिला रही हो? हाँ मुझे विश्वास नहीं तेरी पर राम शपथ करो सच्ची है आकाश सच्ची है अग्निदेव आज तुम्हारे खाता हूँ राम का सौगंध मांगो। सुनो हो प्रिया मैं आपसे पहला वरदान मांग रही हूँ कि ले सुनो प्राणनाथ प्राणनाथ वह धाती है कौशी राम अंदर के बदले निज सुखी राग मांगती हूँ। स्वामी मैं आपसे पहला वरदान भरत को राज तिलक मांग रही हूँ। मैं आपसे दूसरा वरदान हाथ जोड़कर के मांग रही हूँ
आप हमारे मत पूरा कीजिएगा। हाँ महारानी। तो स्वामी किसी जो दूसरा है मेरा वह सुनकर कंपित मत होना, क्षत्रिय क्या रहते हो सबसे विचलित मत होना। राजा जो राम हो रहा वह राजा नहीं उदासी है, सही से तरसी बलकार 14 वर्षों का है। आज मेरे मनोरथ को तूने तोड़ दिया, इस बसी हुई आयोध्या को तूने उठा दी महारानी, उठा दी। तुमने अब सरकार पर आज तक नारी पर विश्वास किया था, लेकिन आज से नारी का विश्वास खत्म हो गया। सुनिए महाराज, क्या आपका भय खुद नहीं लगता है? आप मुझे बाजार से खरीद कर लाए हो क्या? यदि आपको देना है तो हाँ करिए, ना तो ना क्यों नहीं कर देते हैं। आपको ऐसा लगा कि रानी पहनने की इच्छा देना मांगेगी, ले मैं मांगी हूँ, अब देती क्यों नहीं हूँ। राजा शिव जो कहा वो किया, आपको करना है तो हाँ करो, ना तो ना क्यों नहीं करते हो। महारानी मैं कल ही दूध को भेज कर और भरत को ननिहाल से बुला लूंगा और भरत को इलाज दूंगा महारानी। लेकिन हे महारानी लोभ, क्योंकि हे महारानी राम ने बहुत भरत से बहुत प्रेम करता है, राम का कोई लोभ नहीं है, राजपाट से कोई लोभ नहीं है महारानी। लेकिन हे महारानी राम सपने मैंने राम को राज तिलक देने के लिए सोचा है महारानी। राम मैं राम की माँ का सुगंध खाकर कहता हूँ, राम की माँ ने मुझे कोई सिख नहीं दिया है। राम दुनिया तो राम के साधु कहते हैं, राम को कोई पहला लोभ नहीं है महारानी। राम साधु राम और राम साधु है, और तुम तो और बड़े सारे साधु हो। सुनिए महाराज, यदि कल सुबह होते होते रात हो तो यदि कल सुबह होते होते राम बन को नहीं जाएगा तो मेरा मरना और तेरा जीना इस संसार में अभ्यस्त हो जाएगा कि मैं दो वरदान मांगी हूँ, मैं दो वरदान मांगी हूँ वह कभी बदल नहीं सकती, जब फल मेरे पत्थर पर धोने से पिघल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता है तो ये उपाय बताती हूँ, उस दुखी आंखों के सामने वह सर्व उपाय बताती हूँ।